ज्यादा ना ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं, समझ आई? तुम्हारी बहन ने कभी मुझे दुख नहीं दिया। ओ प्लीज रेहान, मैं आपकी लव स्टोरी सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। मेरी यहाँ जिंदगी बर्बाद हो गई और आप झगड़े का पूछ रही हैं। मैं तो ऐसे मोड पे आके खड़ी हो गई हूँ कि ना मैं पीछे जा सकती हूँ ना आगे बढ़ सकती हूँ। क्यों तंग कर रही हो मुझको तुम? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, जब मूड होगा खा लूंगा खुद, पीछे पड़ जाती हो। मुझे सब नजर आ रहे, पागल नहीं हूं मैं। कुछ जबरदस्ती बात को मत पड़ा। दिल तो मेरा चाहता है कि अच्छे से कहकर ना उस लड़की को निकलवा दो, ना वो वहां होगी ना तुम उसके पीछे पागल होगे। जो कहना है जाके कहो, क्योंकि अज़र नादान नहीं है तुम्हारी तरह। मुझे और नताशा को अच्छी तरह से जानता है वो, और ये भी जानता है कि नताशा ऑफिस में अपने काम से काम रखती है। अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, बाकी सब मुझ पे भरोसा करते हैं, और अज़र मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। अब तुम्हारी इजाजत हो तो मैं काम कर लूं या सफाइयां देता रहूं? नताशा, मुझे ना इसमें थोड़ा सा फिगर्स का प्रॉब्लम लग रहा है, मैं करेक्शन करके तुमसे चेक करवा लेता हूं। भाई क्या मसला है, खुद सो नहीं रहे तो मुझे तो सोने दो ना। क्या कर रहा हूँ मैं? काम कर रहा हूँ यार। ज्यादा ना ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं, समझ आई? अम्मी परेशान हो जाती है और फिर सुबह अज्जत और अम्मी की मुझे सुननी पड़ती है। चिल्ला मैं नहीं रहा हूँ, चिल्ला तुम रही हो, मैं खामोशी से सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। अगर तुम इतनी तकलीफ है तो आराम से सो जाओ, मैं कमरे से बाहर चला जाता हूँ। जी भाई तो बहाना चाहिए होता है मुझसे दूर जाने। हेलो, हाँ उठ गई? हाँ बस ऑफिस के लिए निकलने वाली हूँ। तुम बताओ प्रेजेंटेशन कंप्लीट? हाँ यार, बहुत मुश्किल थी लेकिन इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा, क्लाइंट सेटिस्फाइड जाएंगे आज। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच नताशा, तुमने मेरी बहुत मदद की इसको कंप्लीट करने के लिए। मेहनत सारी तुमने की है तो मुझे किस बात का थैंक यू? देखो तुम्हारा ये बड़प्पन है कि तुम हर बात का क्रेडिट मुझे ही दे देती है। ये तुम्हारा ही दिया हुआ कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें पोटेंशियल था इसीलिए तो इस स्टेशन पहुंचे हो। सच कहते हैं लोग, यादें बस यादें ही रह जाती हैं। क्यों नहीं कहते कि आप अपनी पुरानी मोहब्बत को अब तक भूले नहीं हैं? सब यहाँ बहुत अच्छी थी, बहुत ख्याल रखती थी मेरा। तुम्हारी बहन ने कभी मुझे दुख नहीं दिया। ओ प्लीज रेहान, मैं आपकी लव स्टोरी सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि मैं ही बुरी हूँ? बच्चों आपका ख्याल रखती थी, मैं नहीं रखती। बच्चों से मोहब्बत और मुझसे हमेशा शिकायत। ऐसा क्यों सोच रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? सूबिया की तस्वीरें देखी, मुझे उसकी याद आ गई। ये तस्वीरें यहाँ रहेंगी नहीं कि आप देखें, मैं अम्मी के घर छोड़ आऊंगी, वहीं बेहतर है। हमारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये तस्वीरें तुम्हें क्या कह रही हैं यहाँ पर? ये तस्वीरें यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। क्यों क्यों नहीं जाएंगी? ताकि आप इसको देखकर अपनी पुरानी मोहब्बत को याद करते रहें, माजी में घूमे रहें, आगे ना बढ़ना। अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही, लेकिन ये तस्वीरें यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, समझी तुम? रेहान में क्या तुम लोगों को किस बात पे झगड़ रहे हो तुम दोनों? खाना मी, ये सब कुछ आपको और अम्मी का ही तो किया था ना? क्यों क्यों किया आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा? लेकिन समझ में तो आए कि झगड़ा है किस बात पे? मेरी यहाँ जिंदगी बर्बाद हो गई और आप झगड़े का पूछ रही हैं। मैं तो ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो गई हूँ कि ना मैं पीछे जा सकती हूँ ना आगे बढ़ सकती हूँ। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। रखिए रखिए, देखिए इसको, रोए इसको देखकर, और आप खुश हो जाए। आप मुझे यहाँ से लेकर जाएं, अगर आप नहीं आई ना तो मैं खुद आ जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ने का सोच लेती हो तुम, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। अम्मी ये आप मुझसे कह रही है? हाँ तो और क्या, अगर रेहान ने अपनी शादी का एल्बम देख लिया तो उसमें ऐसी कौन सी आफत आ गई? इंसान है वो, कभी कभी पुरानी यादें आती हैं तो दिल भर आता है उसका। अम्मी आप नहीं समझेंगी, बच्चों की मोहब्बत उनके दिल से नहीं निकली आज तक और ना कभी निकलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। और सोबिया वो तो अब इस दुनिया में भी नहीं रही। अफसोस तो इसी बात का है कि बच्चों दुनिया से तो चली गई लेकिन आज तक रेहान के दिल से नहीं गई। अच्छा चलो छोड़ो ना ये सब, ये देखो मैंने तुम्हारे पसंदीदा खीर बनाई और बहुत ही मजे की बनी है, जल्दी से तुम चेंज करके आ जाओ, साथ ही खाना खाते हैं। खानी मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात हुई, पता है
इतने प्यार से मोहब्बत से तुम्हारे लिए सब बनाया है मैंने। अच्छा सब छोड़ो, जरा हम दोनों खाना खाते हैं आज साथ। बेबी मैंने तुमसे कहा कि मुझे भूख नहीं है, पीछे क्यों पड़ जाती हो, दिमाग क्यों खराब कर रही हो, जाओ यहाँ से। इसीलिए तुम्हारे लिए ना मैं कुछ भी नहीं बना, क्योंकि तुम्हें ना मेरी कदर ही नहीं है। सारा दिन में किचन में लगी रही, मावा भरे, कोफ्ते बनाए, तुम्हारे लिए खीर बनाए, और क्यों तंग कर रही हो मुझको तुम? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, जब मूड होगा खा लूंगा खुद, पीछे पड़ जाती हो। भूख तुम्हारी क्यों उड़ जाती है इसका तो मुझे अच्छी तरह से पता है। चल मैं ही खाऊंगी पूरी खीर। आप इंकसार भाई के साथ इतने अरसे से काम कर रहे हैं, उनको इतनी अच्छे तरीके से जानते हैं। यही तो गलती थी मैंने, एक गलत बंदे से उम्मीद लगा बैठा था, इतना बड़ा नुकसान कर लिया मैंने अपना। हो सकता है इसमें इंकसार भाई की कोई गलती ना हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर इंकसार की गलती नहीं तो मेरी गलती? मैंने उस पर यकीन करके उसे प्रेजेंटेशन बनाने को कहा। नहीं मैं आपसे ये बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हो सकता है इंकसार भाई की गलती ना हो बल्कि किसी की साजिश हो। आपके मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कोई भी ये प्लानिंग कर सकता है कि इतनी बड़ी डील आपके हाथों से निकल जाए। और साजिश? दिस अ बैड न्यूज। क्या बुरी खबर है? वो कॉन्ट्रैक्ट सरफराज इंटरप्राइजेस को मिल जाए जिसके लिए हम पिच कर रहे थे। इसी का डर था मुझे, एक तो सरफराज मेरे बंदे तोड़ता रहता है और अब मेरा प्रोजेक्ट भी मेरी नाक के नीचे से ले गया सिर्फ उस प्रेजेंटेशन की वजह से। डोंट वरी अर्शद, हम कोई और नहीं ढूंढ लेंगे। बिसाइड्स दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। जानते ना आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। ओह गॉड, भूल ही गया मैं, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग रख ली आज मैंने। अगर आपने मीटिंग रख ली थी तो आप मुझे बता देते, मैं कल की अपॉइंटमेंट ले लेती एटलीस्ट। अजय तुम मारिया के साथ हॉस्पिटल चले जाओ, मैं तुम्हारे बिहाफ पे मीटिंग अटेंड कर लूँ। नहीं भाई, थैंक यू वेरी मच, पहले भी तुम पे भरोसा करके देख चुका, दोबारा नहीं कर सकता। यस जर्दन का सार सही कह रहा है भाई, हर जोगा तुम्हारे काम में। मैंने कह दिया ना मैं देख लूँगा, मैं मीटिंग रीशेड्यूल कर दूँगा, तुम तैयार रहो। PSL 9 live and exclusive only on A Sports.